और चलिए शुरुआत करेंगे 9 सेकंड न्यूज की, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर दे दें। बंगाल में सीट शेयरिंग पर इंडिया में तकरार दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कांग्रेस पर सीट शेयरिंग में देरी का आरोप लगाया और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देंगे। देखिए ममता बनर्जी की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाएंगी और कांग्रेस पर सीट को लेकर लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। आशीष मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशीष देखिए, जो खबर लगातार हम बता भी रहे थे और जो खबर लगातार सामने आ रही थी कि 2 ही सीट कांग्रेस को मिल सकती है, वो बात सामने आ रही है। यह बिल्कुल, ममता बनर्जी ने बड़ा टफ स्टैंड लिया है और उन्होंने बिल्कुल उस बात को दोबारा से रीइंफोर्स किया है जो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत में साफ तौर पर कहा था कि 2 सीटों से ज्यादा वो कांग्रेस को नहीं देंगी। और तब कांग्रेस अध्यक्ष ने उनसे कहा था अगर आप ऐसा करती हैं तो फिर अलायंस आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखिए तल्खी बढ़ती जा रही है और अब तो उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया है कि सीट शेयरिंग की बातचीत को लेकर के कांग्रेस की तरफ से विलंब हो रही है, देरी हो रही है। और ठीक एक दिन पहले, जबकि एक दिन बाद आपको पता है बंगाल में असम से होते हुए कूच बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की घुसेगी, उसके एक दिन पहले ममता बनर्जी का इस तरह का बयान आया। निश्चित तौर पर अपने आप में सेल्फ रिफ्लेक्टिव है कि सब कुछ कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच अब ठीक नहीं चल रहा है। और आप देखें, एक और बड़ी घटना हुई है कि एक दिन पहले कूच बिहार में जहां राहुल गांधी को घुसना था वहां सारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उतार दिए गए थे, जिसको लेकर के भी पुलिस कंप्लेंट कांग्रेस ने दर्ज कराया है। तो ममता बनर्जी का ये बयान साफ दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बीच अलायंस को लेकर के बिल्कुल। और आशीष, और ऐसे में सवाल अभी ये भी है कि क्या ये इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक हम सबको दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से सीट शेयरिंग पर पेच फंसता हुआ दिख रहा है, वो खुलकर तकरार अब सामने आ रही है। ABP News आपको रखे आगे।